जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। एक कहावत है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यदि आप जरब पास करना चाहते हैं, दिसंबर 2024 में आपका जरब क्वालिफाई करने का सपना है और आप आज भी केवल ये सोच रहे हो कि आज से नहीं, मैं कल से अपनी तैयारी की शुरुआत करूंगा, आप अभी भी ये सोच रहे हो कि अभी मेरे पास ज्योग्राफी की जरफ के लिए तैयारी करने के लिए समय नहीं है, मैं कुछ समय बाद से अपनी तैयारी की शुरुआत करूंगा। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि आज नहीं, कल से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी शुरू करेंगे, केवल आज अपने जितने भी बाकी के काम हैं उनको फिनिश कर लेते हैं, फिर हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। और ऐसा सोचते सोचते उनको पिछले 3-4 महीने हो गए। पिछले 3-4 महीने से वो हमेशा ये सोचते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे, फिर कल भी यही सोचते हैं कि आज नहीं कल से करेंगे। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से लगातार कल के बारे में सोचते जाओगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि अब दिसंबर 2024 के लिए नहीं, कुछ समय बाद जून 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। तो यदि आप सच में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, अभी बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास, एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, सीरियस हो जाओ और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो। देखो, ये तो फिक्स है कि यदि आपको जरब पास करना है तो आपको हार्ड वर्क करना है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अगले केवल 3 महीने जबरदस्त तरीके से हार्ड वर्क करना चाहते हैं या कम से कम 7-8 महीने जबरदस्त तरीके से हार्ड वर्क करना चाहते हैं। आप अपनी खुद की इच्छा से 3 महीने हार्ड वर्क करना चाहते हैं या फिर आप मजबूरी में लोगों के ताने सुन सुनकर मेहनत करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आपको ज्योग्राफी से जरब पास करना है तो उसका केवल एक की है और वो है हार्ड वर्क। हाँ, यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो हो सकता है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाए। यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो सकता है आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन ये तो निश्चित है कि आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी ही पड़ेगी। और UGC का कोई भरोसा नहीं है, वो कब नए रूल लेकर आ जाए, कब नए रेगुलेशन लेकर आ जाए। अभी फिलहाल बातें चल रही हैं कि जून 2025 वाले सेशन से नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी, और जिस दिन से नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई ना, उस दिन से समझो जो जरफ का एग्जाम है वो अब की तुलना में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा पास करना, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारे पास पूरा मौका होता है, पूरी स्वतंत्रता होती है सभी के सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की। तो आप जून 2025 वाले एग्जाम का इंतजार ना करके आज से जबरदस्त तरीके से पूरी सीरियसली तरीके से एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। और आप ये सोच रहे हो कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए अब इतना सफिशियंट टाइम नहीं है कि हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर पाए, देखो आप लोगों का मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम है वो किसी भी हाल में दिसंबर महीने में नहीं होगा, वो जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। ये 100% श्योर है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, उसके बाद में लगभग 40 से 45 दिन का समय दिया जाएगा, फिर एडमिट कार्ड जारी होकर एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि एग्जाम दिसंबर में किसी हाल में नहीं होने वाला, या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी बहुत सफिशियंट टाइम है ज्योग्राफी से जरब पास करने के लिए। यदि आप आज से भी पूरा डेडिकेशन बनाकर सीरियसली तरीके से मेहनत करना शुरू करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप बहुत आसानी से जरब पास कर सकते हैं। और आप आज से भी ये सोच रहे हो, आगे भी ये सोचते रहते हो कि आज नहीं कल से करूँगा, कल से करूँगा, तो भाई 5-7 साल निकल जाएंगे, लास्ट में कुछ नहीं होना जाना, और फिर बाद में केवल ये पछतावा रह जाएगा, लोगों के बीच में बैठकर कहोगे कि काश हम भी पढ़ लिया होते, दूसरों को कहोगे कि तुम पढ़ लो, आज नहीं ये शब्द मत बोलो, ये मत सोचो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, फिर फोकट का ज्ञान दोगे बैठकर, और उस ज्ञान को ना तो कोई सुनने वाला। ध्यान रखना, जो असफल इंसान है जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया, उसके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती।
वो जब ज्ञान दे रहा होता है तो वो खुद को समझ सकता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लोग मेरे ज्ञान को पूरे डेडिकेशन के साथ सुन रहे हैं। लेकिन जैसे वो वहां से निकल कर जाएगा ना, वो बैठे लोग ही गाली निकालेंगे कि खुद ने तो कुछ किया नहीं और यहाँ फोकट का ज्ञान दे रहा है। और हो सकता है कि सामने ही कह दे कि ये ज्ञान हमें मत दे, तूने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, यदि जरा पास करना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी शुरू कर दो। आज का ये जो वीडियो है सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका जो जरप क्वालिफाई करने का सपना है ना, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत खतरनाक तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, आपको एक बहुत सही डायरेक्शन देगा और उस डायरेक्शन को फॉलो करके आप बहुत आसानी से, बहुत कम तैयारी करके बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। देखो, सफलता को हासिल करने के दो रास्ते होते हैं। एक तो वो रास्ता होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और एक वो रास्ता होता है जहाँ पर बहुत कम चलकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। आपके कई ऐसे जानकार होंगे जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ और वो केवल मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं आपके कॉन्टैक्ट में जो बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनका हर एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर होता है। यहाँ पर किस्मत काम नहीं कर रही, यहाँ पर काम कर रहा है तैयारी करने का तरीका, कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आप लंबे रास्ता चलकर सफलता हासिल करने वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो, आप एक अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट वे में तैयारी कर रहे हो, तो बहुत आसानी से आप 2 महीने में भी जरा पास कर सकते हैं। ठीक, तो चलो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की थंबनेल आपने देख लिया होगा, इससे आइडिया लग गया होगा कि दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी के पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर हमें तैयारी करने में एक बहुत ही अच्छी खासी मदद मिलती है। हम उन यूनिटों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं जिन यूनिटों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम उन यूनिटों को कम पढ़ते हैं जिन यूनिटों से कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी यूनिट को हमें छोड़ना चाहिए और कौन सी यूनिट को हमें पढ़ना चाहिए। तो यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने का एक सबसे अच्छा सिस्टम होता है, आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जरा पास हो जाए। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ तैयारी करने की एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के बारे में। यदि आप उस रणनीति को फॉलो करते हुए तैयारी करोगे, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हर हाल में आप जरा पास कर लेंगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ। यदि आप आज ज्योग्राफी में बिल्कुल जीरो हो और यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हो, तो आप बहुत आसानी से दिसंबर में जरा पास कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जरप पास किया है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरप क्वालिफाई किया है। मेरा हाईएस्ट स्कोर था 99.999%। और इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच चलाया था। हमारे उस गारंटी बैच का जो रिजल्ट था बहुत बेहतरीन रहा था। 31 कैंडिडेटों का जरप क्वालिफाई हुआ है, 76 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है, और 18 ऐसे कैंडिडेट थे बैच में जिनके ज्योग्राफी में 75 या 75 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए थे। ठीक है, और ये जो 31 कैंडिडेटों का जरप क्वालिफाई हुआ है, उनमें से 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरप पास किया है। ध्यान रखना, यदि ये जरा पास कर सकते हैं, ये इतना गजब का स्कोर कर सकते हैं, तो आप अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस मत करना। आप इनसे भी बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, इनसे भी गजब का आप स्कोर कर सकते हो। आपको अपने ऊपर अच्छे तरीके से विश्वास करना है, आपको ज़बरदस्त तरीके से हार्डवर्क करना है,
आपको किस तरीके से मेहनत करनी है ये मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यदि आप ये हताश होकर बैठे हुए हो कि यार मेरा तो ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो है, मैं तो अभी पहली बार एग्जाम देने वाला हूँ, मैं तो पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं पढ़ा और अभी से ही मैं तैयारी की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो क्या मेरा जेरफ हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है आपका जेरफ। मेरे मुंह से आप बार बार जेरफ जेरफ शब्द सुनोगे, क्योंकि भाई लोगों आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए जेरफ का, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब हम सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, ज्योग्राफी का जो नेट जेरफ का एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है यदि हम तुलना करें 2020 से पहले के पैटर्न से। 2020 से पहले जिन कैंडिडेटों ने जेरफ क्वालिफाई किया है उनसे आप बात करोगे तो वो केवल एक शब्द बोलेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ लो, आपका जेरफ पास हो जाएगा। क्योंकि 2020 से पहले इन चार यूनिटों से लगभग 60-65% पेपर आता था, जो लोग इन चार यूनिटों को पढ़ लेते थे उनका जेरफ पास हो जाता था। ठीक है, जो कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा स्कोर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि वो इन चार यूनिटों के पीछे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओस्टियोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इन चार यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। यदि आपकी ये चारों यूनिट बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार है और आप ये कॉन्फिडेंस ले रखे हो कि हमारा जेरफ हो जाएगा क्योंकि हमारी ये चारों यूनिट अच्छे तरीके से तैयार है, तो आप समझना ओवर कॉन्फिडेंस में हो, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपका जेरफ तो बहुत दूर की बात है, आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं होगा, इतना ज्यादा पेपर पैटर्न फिलहाल में चेंज हो चुका है। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में पेपर की डिमांड क्या है, मतलब पेपर कहाँ से आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, 2022 में जो एग्जाम हुआ, 23 में जो एग्जाम हुआ, 24 में जो ये दो एग्जाम हुए जून वाले, इन सभी के पेपरों के बेस पर मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और लगभग इन 3 साल में जो ये ट्रेंड है पेपर का वो एक समान चला आ रहा है। इन 3 साल में एग्जाम के ट्रेंड में किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके बेस पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये ही ट्रेंड चलने वाला है। ठीक है, देखो, हमने पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कंप्लीट सिलेबस को, जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा उसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया, और इन 20 यूनिटों के हमने दो सेशन बना दिए, एक हमने सेशन ए बना दिया और दूसरा हमने सेशन बी बना दिया। ठीक है, सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जो आप लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिट है। भाई, जियोमॉर्फोलॉजी से फिलहाल में केवल 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ओशिनोग्राफी से 5-6 क्वेश्चन आते हैं और इंडिया ज्योग्राफी से लगभग 8-9 क्वेश्चन आते हैं। इन 4 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। आप ये मत सोचना कि जियोमॉर्फोलॉजी से 7-8 यूनिट क्वेश्चन आ रहे हैं एक सिंगल यूनिट से। भाई, जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, ये बड़ी बड़ी यूनिट है और इनसे केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जब पहले 60-65% पेपर आता था इनसे। अब हम बात करते हैं सेशन ए, जिसमें हमने 16 यूनिटों को शामिल किया है। ज्यादातर लोगों को तो इन यूनिटों के बारे में पता ही नहीं होगा। देखो, जियोग्राफिकल टेक्निक से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कार्टोग्राफी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिकल ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सोशल ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कल्चर ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन, सेटलमेंट ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ट्रेड ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनल प्लानिंग के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट के 7-8 क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंट के 6-7 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से ये जो टोटल 16 यूनिट है इनसे फिलहाल भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। इनमें मैं यदि सबसे बड़ी यूनिट की बात करूँ तो वो है ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो थॉट वाली यूनिट है सबसे बड़ी यूनिट है, बाकी सारी की सारी छोटी छोटी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर कंपेयर करूँ सेशन ए और सेशन बी के बारे में,
तो भाई लोगों जितना कंटेंट सेशन बी के 4 यूनिटों में लगभग ठीक उतना ही कंटेंट है सेशन ए की 16 यूनिटों में। कंटेंट के बेस पर सेशन ए सेशन बी दोनों समान है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पर बात करें तो सेशन ए से लगभग 65 क्वेश्चन और सेशन बी से लगभग 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारे आर सी के आते हैं। तो यहां से आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल चुका होगा कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक। तो यहां से आपको यह भी आइडिया लग गया होगा कि हमें सबसे पहले अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनका कंटेंट आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, और वो भी बहुत शानदार वाला कंटेंट मिल जाएगा, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, मार्केट में बहुत बेहतरीन बेहतरीन किताबें मिल जाएंगी इन 4 यूनिटों की, जहां से एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहां से तो केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे तो हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं होगा। जब पास करना है, नेट पास करना है, तो सेशन ए की 16 यूनिटों को पढ़ना जरूरी है, और इनका कंटेंट आपको बहुत आसानी से किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको कोई भी गाइड पढ़ोगे उसमें इन 16 यूनिटों का बिल्कुल दो दो तीन तीन पेजों में इंक्लूड किया गया है, गूगल पर कुछ नहीं मिलेगा इन 16 यूनिटों का आपको, मार्केट में जाओगे तो जैसे सपोज डेट आप सेटलमेंट ज्योग्राफी की किताब लाने के लिए जाओगे, 3-4 ऑप्शन है, हर दुकानदार हर एक किताब को बेस्ट बताएगा। सपोज डेट आपने कोई बेस्ट किताब खरीद भी ली तो वो अकेली सिंगल किताब एक यूनिट के सिलेबस को पूरा नहीं करेगी, एक यूनिट के लिए आपको 2-3 किताबें खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। सपोज डेट आपने एक यूनिट के लिए 2 किताबें खरीद ली, अब सीन क्या है, एक किताब में 600 पेज है, दोनों किताबों में लगभग 1100-1200 पेज हो गए। अब उन 1100-1200 पेजों को पढ़ो, आप जब 5 पेजों को पढ़ोगे ना तब जाके एक लाइन ऐसी निकलेगी कि यार ये हमारे लिए काम की हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ना तो पढ़ने के लिए मन करेगा, ना पढ़ने में डेडिकेशन रहेगा, ठीक है। बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, फिर इसके अलावा डाटा में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन किताबों में बिल्कुल लेटेस्ट फिलहाल के अकॉर्डिंग डाटा नहीं लिखे हुए, जबकि एग्जाम में तो जो भी डाटा पूछेगा वो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो इस तरीके से सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको तैयार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अब इन 16 यूनिटों को तैयार करना बहुत जरूरी है, तो हम उनको कैसे तैयार करें इस वीडियो में अब हम डिस्कस करते हैं। देखो यदि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी से ज्यादा पास करना चाहते हैं, तो हमने जून वाले एग्जाम की तरह दिसंबर के लिए भी ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, दिसंबर 2024 में जरब पास करना है, और वो भी कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी तरीके का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। पहले प्रयास में मात्र 2-3 महीने की तैयारी से बहुत आसानी से जरब पास किया जा सकता है, बस आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। पहला, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हार्डवर्क करना है। दूसरा, आपको एक बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करनी है। आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो आपको सही ढंग से गाइड कर सके कि आपको मेहनत किस तरीके से करनी है। ध्यान रखना, मेहनत 2 तरीके से होती है, गधा भी मेहनत करता है और घोड़ा भी मेहनत करता है। दोनों की मेहनत आप समझ सकते हो, गधा पूरे दिन भर जबरदस्त तरीके से मेहनत करता है, जिसकी ना कोई इज्जत है, ना कोई वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, जबकि घोड़ा केवल नाम मात्र मेहनत करता है, लेकिन उसकी इज्जत कितनी है। गधा जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद क्या खाता है, भूसा खाता है, जबकि घोड़ा नाम मात्र मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाता है, ठीक है। तो आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन एक सही ढंग से हार्डवर्क करना है, आपको सही तरीके से हार्डवर्क करना है आपको। यदि आप गधे की तरह हार्डवर्क कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको घोड़े की तरह हार्डवर्क करना है ताकि आप आसानी से जरब पास कर सको। और आप घोड़े की तरह हार्डवर्क केवल और केवल तब कर पाओगे जब आपको कोई बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला मिलेगा, जो आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, जो आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, ठीक है। आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए तैयारी करने की, ताकि आपका सही समय पर सिलेबस पूरा हो जाए, सही ढंग से आपका रिविजन हो जाए, साथ ही साथ आपके सही ढंग से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है, ताकि आपके पढ़ेवे में से क्वेश्चन आए। अब इन 4 के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले शानदार रणनीति क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पर इस बैच में हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे।
16 की 16 यूनिट जब 100% तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की चारों यूनिट को शानदार तरीके से तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपकी सेशन ए की 16 यूनिट गजब तरीके से तैयार हो गई, समझो आपका जरफ क्वालिफाई हो चुका है, आप भीड़ से हट चुके हो, आप जरफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होता है जो कि यूनिट वाइज तरीके से होता है। ये जो हम यूनिट वाइज संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं, ये केवल इसलिए लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कौन सी यूनिट कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर चौथे दिन भी एग्जाम होता है जो टॉपिक वाइज तरीके से होता है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ आपको पता चल सके कौन सा टॉपिक आपका अच्छे तरीके से तैयार हो सका है चुका है। साथ ही साथ आपको एक टारगेट मिल सके कि अगले चार दिन में आपको कौन से टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये हमारी यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन रणनीति रहती है जो कि सबसे अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा इतना गजब का रिजल्ट रहता है। सब कुछ बिल्कुल एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्टेंट की विशेषता के बारे में। भाई कंटेंट बहुत गजब का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहाँ से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप कितने पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक वो कंटेंट होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। और ध्यान रखना, बहुत गजब का स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ने की। बहुत गजब का स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही ढंग का एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ने की। भाई आज हमें ऐसा कंटेंट पढ़ना है ताकि हमारा स्कोर बढ़ जाए, ना कि ज्ञान। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा ताकि आप अपने स्कोर को बढ़ा सको। हमारा ज्ञान बढ़ाना यहाँ पर किसी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया, इसके लिए हमने बहुत स्पेशली तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से मेहनत किया। टोटल 12 प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी के नेट जरफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने उन सभी के कंटेंट को मिलाकर ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। हमने इस कंटेंट को तैयार करने के लिए 26 ऑथेंटिक किताबें, 8 टीचरों के नोट्स, अभिषेक झा सर है, अंकित सर है, दिवाकर सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है, सूरज सर है, और इसके अलावा अजीमुद के श्रीराम खांगा सर हैं, और इसके अलावा सितांशु सर है, इन सभी के नोट्सों को इकट्ठा किया है। गाइड जैसे दृष्टि वाली हो गई, अरिहंत वाली हो गई, इसके अलावा यूजीसी नेट के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जरफ के लिए 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। बिल्कुल लाइन टू लाइन सिलेक्टेड कंटेंट है, पढ़ते टाइम एक भी लाइन ऐसे नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार है कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिलेगा, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, एक भी यूनिट को, एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, 20 के 20 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली फोकस रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आप जिन टॉपिकों को छोड़ रहे हो उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ना, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना, बिना रिस्क लिए हुए तैयारी करनी है। हर हाल में दिसंबर में जरा पास करना है। प्रत्येक टॉपिक को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि क्लास के दौरान वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, याद होना भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर चीज़ बहुत आसानी से याद नहीं होती। हम मशीन नहीं है कि एक बार याद हो गए वो कभी हम भूलेंगे नहीं, हम भूलते भी, हम कंफ्यूज भी होते हैं, हमें आसानी से याद भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से याद हो जाए, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, किस टॉपिक से कब क्वेश्चन बना, इससे पहले कितनी बार क्वेश्चन बना है, आगे किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हर हाल में जरा पास करना है, जरा पास करने के लिए जो बेस्ट कंटेंट होगा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। एक तरीके से यहाँ पर आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, आपको तो केवल और केवल पढ़ने का काम करना है। रेगुलर टारगेट मैं दूंगा, रेगुलर टास्क मैं दूंगा, सब कुछ मेरी तरफ से रहेगा, आपको केवल पढ़ना है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ जरा क्वालिफाई हो जाएगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है,
बेस्ट गाइडेंस के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 केवल और केवल आपके लिए है, और ये मेरे नंबर है। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हमेशा मेरे से खुद से बात होगी। यहाँ पर मैं आपको रेगुलर टारगेट दूंगा, वीकली टारगेट दूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होगा, ताकि हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, सब कुछ मिलेगा। और यदि मैं बात करूँ चार्जेस की, तो अभी चार्ज में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। ये हमारा ऑफर में फीस है, लेकिन यदि आप अगले दो दिन के अंदर बैच लेते हो, तो इस फीस में भी आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यदि चाहते हो जेरप क्वालिफाई करना, तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो, जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। और जब लगे कि सच में यहाँ पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर जेरप को क्वालिफाई किया जा सकता है, तो आप बिना देर किए जरूर जुड़े, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।